तो दोस्तों मेरा फर्स्ट रिएक्शन टू अमृतसर मैं दूंगा बहुत इनक्रेडिबल। अभी तक जितने लोगों से मेरे लिए शहर को पहचानना तब होता है जब आप उसकी गलियों में जाते हो, क्योंकि गलियां होती हैं पुराने टाइम की। यहाँ पे कंटिन्यूसली सारी शॉप्स के ऊपर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे सेम कलर का ब्राउन कलर का बोर्ड है। ये रहा आपका सामने पार्टीशन म्यूजियम, और ये रहा उसके सामने जस्ट एक और गुरुद्वारा, ये इसका मेन गेट है। आप देख सकते हैं पार्टीशन म्यूजियम का, बहुत से म्यूजियम है दिल्ली में भी, म्यूजियम है हर जगह इंडिया में, म्यूजियम है तरह तरीके के, बट ये मैं म्यूजियम नहीं कहूँगा क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, ये कहते नहीं है दूसरी दुनिया का द्वार, पर वो चीज़ें हैं, वो फोटोग्राफ्स हैं जो आपने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। पार्टीशन के टाइम तक की वो जर्नी है, आपको ऐसा फील होगा कि आप उसी समय में पहुंच गए हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, चारों तरफ से बंद है, क्योंकि गार्डन है जलियांवाला बाग, पूरा गार्डन है, जैसे गार्डन नहीं होते उस तरीके से। आप देखो चारों तरफ से कोई ना कोई बिल्डिंग है। दोस्तों ये सारे वो बुलेट मार्क्स हैं, 2 दिन चले थे, तो ये जो आप देख रहे हैं ना सब ओल्ड अमृतसर कह लो, क्योंकि ये जगह गोल्डन टेंपल वाली है। यहाँ से गोल्डन टेंपल महज 1 किलोमीटर रह जाता है, और अभी अपन जा रहे हैं पार्टीशन म्यूजियम जो कि 900 मीटर है। मेरे लिए शहर को पहचानना तब होता है जब आप उसकी गलियों में जाते हो, क्योंकि गलियाँ होती हैं पुराने टाइम की जब वो शहर बसा हुआ होता है, तो मैं उस समय यही कर रहा हूँ। मैं भी हर किसी को सजेस्ट करूँगा, अगर आपको किसी शहर को जाना हो तो उसकी गलियों में जाओ, गलियों से ही तो पहचान है शहर की। ये इन पे यहाँ पे कंटिन्यूसली सारी शॉप्स के ऊपर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे सेम कलर का ब्राउन कलर का बोर्ड है, जहाँ पे किस किसी में बहुत सारी पुरानी, मतलब सिंस 1945 करके है। तो ये आपको तब पता पड़ता है जब आप एक्सप्लोर करते हो सारी, जैसे हम जयपुर जाते हैं तो जयपुर में ओल्ड जयपुर पूरा पिंक कलर का है, तो यहाँ पे भी सारी कह सकते हैं एकदम ओल्ड अमृतसर हो सकता है। सबके ऊपर एक ब्राउन कलर का बोर्ड है जिसपे उस दुकान का नाम लिखा है। तो दोस्तों ये मार्केट आपको उस रोड पे मिलेगा जिस रोड से आप पार्टीशन म्यूजियम जलियांवाला बाग या फिर गोल्डन टेम्पल जाएंगे। ये बहुत बड़ा मार्केट था, बहुत विशाल और बहुत शानदार दुकानें थी। मेरे आप ब्लॉग में देखेंगे, अगर यहाँ पे किसी को शॉपिंग करनी हो तो बहुत अच्छी प्लेस है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे एक तो आसपास सारी चीज़ें आपकी, गोल्डन टेम्पल जलियांवाला बाग पार्टीशन म्यूजियम और माता मंदिर, प्लस इतना बड़ा मार्केट आपको मिल रहा है, तो उससे अच्छी बात क्या है। तो दोस्तों मेरा फर्स्ट रिएक्शन टू अमृतसर मैं दूंगा बहुत इनक्रेडिबल। अभी तक जितने लोगों से मेरा बोलचाल हुई है, प्यार से बात कर रहे हैं सभी लोग, वही वो कोई भी हो, हेल्प कर रहे हैं सारे लोग। मैंने जहाँ भी वाली वो रिक्शे वाले हों या फिर कोई दुकान चला रहे हों, कोई भी हों, जिससे भी मैंने कुछ पूछा या कोई भी रास्ता या कोई भी चीज़ मेरी समस्या नहीं आ रही, मैंने पूछा तो वो जो रिप्लाई हो रहा है ना, बहुत आज़ाद पोलाइटली हो रहा है, कामली हो रहा है। तो अभी तक जो मुझे मेरी अकॉर्डिंग टू बहुत अच्छा लगा है रिएक्शन, प्लस ये एरिया यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो इस मेन एरिया है, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल और बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई पार्टीशन म्यूजियम में, तो ये जो मार्केट है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड कराया गया है। आसपास जिस तरीके से उसका आउटर इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया है, तो मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन है मुझे बहुत पसंद आया। तो अभी तक अमृतसर, आगे का नहीं पता, अभी तो स्टार्टिंग है, बट माय फर्स्ट रिएक्शन इज बहुत ऑसम। अमृतसर मस्ट विजिट प्लेस है, प्लस इस एरिया में आपको आना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब नेक्स्ट प्लेस चलते हैं पार्टीशन म्यूजियम। ये मैं आपको दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ, शहीद मदन लाल ढींगरा जी, इन्हीं के नाम पे अमृतसर का जो बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड है, वो इन्हीं के नाम पे है, शहीद मदन लाल ढींगरा जी। और एक और चीज़, जब आप इस रोड पे आएंगे गोल्डन टेंपल रोड पे, तो ये रहा आपका सामने पार्टीशन म्यूजियम, और ये रहा उसके सामने जस्ट एक और गुरुद्वारा, गुरुद्वारे का नाम बताया था मैं, अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों गुरुद्वारे का नाम है श्री संतोख सर गुरुद्वारा, जस्ट पार्टीशन म्यूजियम के जस्ट सामने। और मैं आपको जो मेन चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, आप यहाँ का एरिया देख लीजिए, जिस तरीके से टाइलिंग की गई है,
साफ सुथरा प्लेस है। अब यार गंदे मैंने पहले कही थी, मेरे ट्रेन ब्लॉग देख लो, गंदे खुद हम करते हैं, पर इस तरीके का डेवलप्ड एरिया है ये पूरा एरिया। जब आप यहाँ पे आएंगे, इवन यहाँ से लेके वो पूरा मार्केट तक पूरा एरिया पूरा डेवलप है अच्छी तरीके से। तो दोस्तों अब चल रहे हैं पार्टीशन म्यूजियम। पार्टीशन म्यूजियम विभाजन के समय क्या क्या कुछ नहीं हुआ था जो हमने देखा था, इतने सारे लोगों की शहादत पे हमें ये आज़ादी मिली है, तो बहुत कुछ मुझे होप है बहुत कुछ देखने को मिलेगा अंदर। तो देखते हैं अंदर क्या मिलता है। तो सर ये गेट है पार्टीशन म्यूजियम का, बगल में आप साइन बोर्ड देख रहे हैं पार्टीशन म्यूजियम का। तो मैं हर किसी के दिल में शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी इनका नाम, क्योंकि और इन जैसे न जाने कितने वीर सपूतों ने, कितने वीर लोगों ने दिलाई है अपनी शहादत से 23-24 साल की उम्र में। तो ये म्यूजियम मस्ट विजिट प्लेस है। मुझे अभी अंदर नहीं पता कि क्या क्या मुझे मिलेगा, बट मुझे पता है बहुत कुछ शानदार मिलेगा। तो चलते हैं पार्टीशन म्यूजियम। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, जैसे जयपुर में पिंक कलर की मोस्टली, ओल्ड जयपुर मैंने अभी बताया पिंक कलर का कलर होता है, यहाँ पे मोस्टली रेड कलर है। ये मुझे पता उसी उस टाइम का ही है, 1900 का ही है। तो अंदर इंटीरियर, मुझे यहाँ की साफ़ सफाई बहुत प्यारी लगी, बहुत शानदार साफ़ सफाई है। ये इसका मेन गेट है, आप देख सकते हैं पार्टीशन म्यूजियम का, पंडित मोतीलाल नेहरू म्यूनसिपल लाइब्रेरी सामने आप देख रहे होंगे। तो ये ऑब्वियसली पहले के टाइम में कुछ ना कुछ कोई म्यूजियम या कोई कॉलेज होता होगा, बाद में कुछ कंस्ट्रक्शन किया अंदर शायद कुछ पता पड़े। ये इसका मेन गेट है पार्टीशन म्यूजियम का। चलो बहुत ही ग्रैंड है एंट्री, ग्रैंड जो कहते नहीं है, राजा से कोई महल हो राजा महाराजाओं का आप खुद देख सकते हो। तो सामने से आपको टिकट मिलेगा, टिकट अभी मुझे नहीं पता कितने का टिकट है, लेते हैं टिकट फिर चलते हैं देखने। तो दोस्तों टिकट हमें मिला है महज 20 रुपये का, और इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक, 6 बजे शाम को बंद हो जाता है। अभी अंदर का नहीं पता कि अंदर में कैमरा अलाउड है या नहीं है, आई डोंट नो। वैसे तो फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो ये आप सामने देख सकते हैं, तो बाकी टाइमिंग देख सकते हैं। लेट्स सी, अगर अलाउड नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा अंदर क्या है, बस एक्सप्लेन कर पाऊँगा। आप यहाँ की दीवारें देख सकते हैं पुराने ज़माने की, जैसे तो वही इनक्रेडिबल चीज़ है। चलो दोस्तों जैसा कि मैंने कही थी अंदर कोई भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको कुछ अंदर के नहीं दिखा सका। बट एक बात मैं कहूँगा, बहुत से म्यूज़ियम है दिल्ली में भी, म्यूज़ियम है हर जगह इंडिया में, म्यूज़ियम है तरह तरीके के, बट ये मैं म्यूज़ियम नहीं कहूँगा, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, ये कहते नहीं है दूसरी दुनिया का द्वार। फॉर मी अंदर जैसे आप जाओगे अंदर, वो चीज़ें हैं, वो फोटोग्राफ्स हैं जो आपने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे पार्टीशन के टाइम तक की, वो जर्नी है। आपको ऐसा फील होगा कि आप उसी समय में पहुंच गए हो, मतलब ऑडियो गाइड है वो सारी आवाज़ें, वो सारी मतलब उस समय कौन क्या कह रहा था, ट्रेन की जर्नी पूरे ट्रेन की वीडियो है, कैसे लोग एक ट्रेन पर चढ़ चढ़ के जा रहे थे, और न जाने क्या क्या ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कभी देख पाएंगे, ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ हैं। वो सारी पैम्पलेट जो भगत सिंह जी ने उस समय राइड्स के टाइम डाले थे, या फिर अनबिलीवेबल थिंग्स हैं इसमें। ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पर भी बहुत सारी चीज़ें, ग्राउंड फ्लोर पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 1900 से लेकर वो जब तक पार्टीशन हुआ था तब तक की सारी चीज़ें हैं। तो मेरे लिए अंदर जाके मैं बता नहीं सकता, आई एम स्टंड, मतलब बिल्कुल जो मेरे फॉर मी बहुत सही चीज़ है कि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, क्योंकि अगर कैमरा जाएगा तो ना वो मज़ा नहीं आएगा। अब हम लोग क्या वीडियो बनाने में लग जाते हैं, फोटो क्लिक करने में लग जाते हैं, तो वो चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाते। क्या अब कैमरा अलाउड नहीं थे तो हमने जाके वो सारी चीज़ें पढ़ी कि क्या क्या कैसे कैसे है, सारी चीज़ें देखी हैं, फोटो ब्लैक एंड वाइट 100-150 साल। अगर आपको आज के समय में वो समय एक्सपीरियंस करना है ना, तो मैं इसमें आना जरूरी है।
जयपुर में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बट ये म्यूजियम नहीं है, बहुत अलग है, बहुत बड़ी बहुत अलग चीज़ है, इसको विजिट करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कैमरा लॉग नहीं है। भला आप सोच सकते हो कि उस समय घर कैसे तोड़े गए थे, 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे, ₹20 का टिकट है, मुश्किल से 1-1.5 घंटा 1.5 घंटे लगेंगे आपको विजिट करने में, पर जो आपको एक्सपीरियंस होगा ना आपको आपको तो मम्मी आना ज़रूरी है, आइएगा पार्टिसिपेट कीजिएगा। सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है, शाम को 5:30 बजे क्लोज हो जाता है। मंडे एक बार चेक कर लीजिएगा, मंडे क्लोज रहता है या नहीं मुझे कन्फर्म नहीं है। बाकी ₹20 का टिकट है, कैमरा अलाउड नहीं है, आइएगा ज़रूर। तो पार्टीशन म्यूजियम भी हो गया, सामने गुरुद्वारा है, देखते हैं गुरुद्वारे में फिर क्योंकि आप आ ही सकते हैं ओरिजिनल और सही बता रहा हूँ, बहुत अलग फील हो रही है म्यूजियम में करने के बाद, ये बता नहीं सकता मुझे। चलो खैर चेंज करते हैं, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, बारिश बूंदे गिर रही हैं और ऊपर से ठंडी है तो रश बढ़ जाता है। तो पार्टीशन म्यूजियम हो गया, हम नेक्स्ट चलते हैं जलियांवाला बाग। दोस्तों मैं देखो ये था पार्टीशन म्यूजियम, सामने वो वहाँ से इस रास्ते से जाएंगे तो आपको मिलेगा बस स्टैंड, और ये सामने इधर जाएंगे तो आपको आएगा जलियांवाला बाग। तो सारी चीज़ें बहुत पास है, बस बहुत पास। और मैं बार बार आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो यहाँ पे डेवलप की गई ना, मुझे नहीं लगता पहले थी यहाँ पे इस तरीके की ये टाइल्स वगैरह और साफ़ सफाई, क्योंकि ये जगह इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे शहीदों ने, शहीदों की भूमि है ये, शहीदों की भूमि, स्वर्गीय सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो यहाँ जो इस जगह को तो अच्छा बनना ही था, तो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, बहुत शानदार तरीके से पूरा। तो दोस्तों जो आप मेरे सामने ये देख रहे हैं ये महाराजा रणजीत सिंह चौक, ये जो इनका स्टैचू है ये पहले नहीं था, पहले क्वीन एलिजाबेथ का स्टैचू था, उसके बाद जब यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, ये जो आप रिकंस्ट्रक्शन देख रहे हैं यहाँ का काया पलट कहते हैं जिसे हम, तो उसके बाद ये स्टैचू रखा गया है। इससे जस्ट उस स्ट्रेट में जाएंगे तो हमें मिलेगा जलियांवाला बाग जहाँ हम अब जा रहे हैं, और जस्ट इसके पार्टीशन म्यूजियम से पीछे इधर हरमिंदर साहिब है जिसे हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं। तो अब चलते हैं जलियांवाला बाग। तो अब चल जलियांवाला बाग की तरफ। अनबिलीवेबल मार्केट है यार, इतना बड़ा मार्केट, इतनी सारी चीज़ें, मुझे मतलब मैंने सुना नहीं था इतना, या सर हमने कभी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की, बट यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, आप पूरा दिन बिता सकते हो यहाँ पे। मार्केट लवर, शॉपिंग लवर्स के लिए तो ये प्लेस जन्नत है। मैंने पीछे आपको मार्केट दिखाया, वहाँ से लेकर ये इतना लंबा फैला और बहुत शानदार शानदार दुकानें हैं, बहुत कुछ है इस मार्केट में। तो दोस्तों ये वाइट वाला स्टैचू आपको मिलेगा, अब ये क्या है, ये सब यहाँ पे नाम लिखे हैं, तो आप, मैं नाम में बताऊंगा नहीं, आप सबको पता है नाम उन्हीं लोगों के होंगे जो यहाँ पे शहीद हुए होंगे उस नरसंहार में। तो यहाँ से बगल से एंट्री है जलियांवाला बाग की, अब ये कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ टिकट विकेट लेते हैं, टिकट का अंदर पता पड़ेगा क्या है, ये एंट्री है फिर देखते हैं क्या टिकट है। ये मैं आपको बता दूं रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, तो ये वही गली है जो आपने पिक्चरों में मूवीज में देखी थी, उस सकरी सी गली से वो सब भागते हुए आ जाते हैं जब गोलियां चलती हैं। ये पूरा इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, जो आपको भी बताया कि रिकंस्ट्रक्शन कराया था पंजाब गवर्नमेंट ने पूरा का, नहीं तो पहले कुछ और। तो दोस्तों अभी हमें जलियांवाला बाग, जैसे कि हम मैंने बताया उसी गली में से निकले थे, वहाँ पे पूरा रिकंस्ट्रक्शन करा गया है, जो गवर्नमेंट उस समय इंग्लैंड गवर्नमेंट के थ्रू आया था आंकड़ा, वो 100 या 150 लोगों की मौत का आया था, लेकिन 1100 से 1200 लोग शहीद हुए थे।
क्योंकि नरसंहार हुआ था यहाँ पे, शायद वो कुआं भी होगा जहाँ पे लोग कूदे थे, कोई जगह नहीं थी यहाँ से निकलने की क्योंकि चारों तरफ से घेर लिया गया था उस समय। अब वो छोटी सी गली जो मैंने देखा जहाँ से अभी भी लोग निकल रहे हैं पीछे वाली, वो भी घेर ली गई थी, कोई जगह ही नहीं थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना चारों तरफ से बंद है, क्योंकि गार्डन है जलियांवाला बाग, पूरा गार्डन है, जैसे एक हमारे यहाँ गार्डन नहीं होते उस तरीके से। आप देखो चारों तरफ से कोई ना कोई बिल्डिंग है, और जब वो सिंपल छोटा वाले गेट से जब आपको बंद कर लिया तो कोई बचने की जगह ही नहीं थी, हर तरफ कोई ना कोई दीवार है, कोई जगह ही नहीं थी उन लोगों के बचने की। तो ये वो मेन स्टैचू, बुलेट मार्क्स यहाँ में देखो, यहाँ बुलेट मार्क्स होंगे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई थिंक मैं आपको दिखा सकूँ, ये रहे वो बुलेट मार्क्स। तो दोस्तों ये सारे वो बुलेट मार्क्स हैं, 2 दिन चले थे उन हजारों बेकसूर लोगों को, बेगुनाहों लोगों को मारने के लिए। तो ये सिर्फ वीडियो नहीं है, आप अगर यहाँ पे आओगे ना तो आपको वो फील हो जाएगा, वो दिन वो समय। और ये एक और वॉल है सामने जहाँ पे आप देख रहे हो कितने कितने मोटे छेद हो गए, अंधाधुंध गोलियाँ जब चलती है ना तो यही होता है। तो दोस्तों ये एक फोटो गैलरी है जहाँ पे स्टोरी ऑफ भगत सिंह जी के बारे में बता पड़े, पंजाब आज़ाद हिंद फौज इस तरीके से है। देखो मैं कोशिश करूँगा अगर दिख जाए तो ठीक, नहीं तो फिर कैमराज अलाउड नहीं है। वैसे म्यूजियम में मैंने पहले बताया होने भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैंने उस गैलरी का आपको कोई वीडियो फुटेज नहीं दिखाया क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, पहली तो अलाउड भी नहीं था। आप जब अंदर जाओगे तो बहुत सारे फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगे उन शहीदों के जो शहीद हुए हमारे इस मिट्टी के लिए। फिर आपको सरदार शहीद भगत सिंह जी के बारे की एक डॉक्यूमेंट्री है छोटी सी 1.5 से 2 मिनट की, जिसमें स्टोरी ऑफ भगत सिंह है हिंदी में, अभी पंजाबी में, इंग्लिश में, एक एक करके तीनों लैंग्वेज में दिखाई जाती है। और वो 3D 4D बहुत अच्छी तरीके से वॉल पेंटिंग पे दर्शाते हैं। आप जाना तो यहाँ पे एक्सपीरियंस करना, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको उनके बारे में जिनको जानकारी नहीं है उनको और इन्फो हो जाएगी सरदार भगत सिंह जी की। दोस्तों इस तरीके का ये अंदर का गैलरी बना है, जैसे आप गेट से एंट्री लेंगे तो आपको इस तरीके की गैलरी मिलेगी। कुछ यहाँ पे 4-5 गैलरीज हैं जहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जलियांवाला बाग में एक और नया सेगमेंट जिसे हम कहते हैं शहीदी कुआं। तो ये दोस्तों ये शहीदी कुआं है आपका, यहाँ से यहाँ पे 3 से 4 गैलरीज हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती है आपको। डॉक्यूमेंट्री वो शहीद भगत सिंह जी की, इंग्लिश हिंदी मैंने अभी बताया। गैलरीज अब यार अगर फ़ोन अलाउड ना हो ना तो सही रहेगा, क्योंकि फ़ोन मैंने कही थी फ़ोन अलाउड होते हैं तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। खैर ये कुआं है जिसमें ना जाने कितने लोग कूद गए थे क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था, चारों तरफ से कवर था। आप शायद देख पा रहे हो कितना गहरा है, मैं ये नीचे तक जा भी नहीं पा रहा कितना गहरा है। ओ, क्या मंजर होगा उस समय का जब धुआंधार गोलियां चल रही हैं और इंसान को जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े। ये वो दीवार है पीछे दिस बिल्डिंग, तो कोई और ऑप्शन नहीं है आपको इसमें कूदने के अलावा। तो दोस्तों हमारा पूरा जलियांवाला बाग हो गया है, डुम्मे ने बताया बहुत सारे 3-4 गैलरीज हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, फ़ोटोज़ हैं प्लस शहीदी बैल है जो आप देख सकते हो उस नरसंहार का एक और सबूत। 2-3 वॉल्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको बुलेट मार्क्स मिलेंगे। तो अब निकलते हैं बाहर। तो एक और चीज़ बस एग्ज़िट का है, पर आप दीवार हैं वहीं हैं, उस समय की ही हैं, उसी तरीके का, उसी समय का सब कुछ है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, काफ़ी कुछ क्या होता है लगातार एक दिन में जब इतनी सारी कुछ चीज़ें घूमते हो ना थकावट हो जाती है, मुझे हो गई है। अब नेक्स्ट मुझे नहीं पता क्या प्लान करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ खाना पीना, कहीं कुछ अच्छा मिलता है तो खाते हैं, शॉपिंग वॉपिंग देखते हैं कुछ, क्योंकि अभी तो बाघा बॉर्डर रह गया है और भी बहुत चीज़ें हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।
देखते हैं कौन सी प्लेस अब नेक्स्ट जाते हैं। एक ही अब मैंने बता दिया, देखो एक ही गोल्डन टेम्पल रोड पे जाओगे तो गोल्डन टेम्पल, पार्टीशन म्यूजियम, जलियांवाला बाग और बिरजानी माता मंदिर चारों हो जाएंगे। हाँ, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।